हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरी बालकनी का छोटा सा एक कॉर्नर है जहां मैं जेन कॉर्नर क्रिएट करने जा रही हूँ। जेन कॉर्नर होता है आपके घर का एक वो हिस्सा जहां आपको थोड़ा पीसफुल महसूस होता है, जहां आप बैठ के रिलैक्स हो सके। तो मेरा ये कॉर्नर है एम्प्टी कॉर्नर है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्लांटर था जिसको हटा दिया है और अब मैं क्रिएट करने जा रही हूँ एक जेन कॉर्नर, और इस कॉर्नर का करूँगी मेकओवर। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। इस कॉर्नर को एक जेन कॉर्नर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक छोटे से स्टूल का जिसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ये एक कारपेट टाइप छोटा सा ग्रीन ग्रास है और इसको मैंने करीब 100 रुपये में परचेज किया था एक लोकल वेंडर से। इसमें हम पैर कभी नहीं पहुँचते हैं। इसका मैंने नॉर्मली इस्तेमाल डेकोरेशन में ही अभी तक किया है, तो इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं हैंग कर रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स क्योंकि मेरे पास स्पेस है जहाँ मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक छोटे से बुद्धा फेस का। बहुत ही सुंदर फेस लग रहा था मुझे ये, तो मैंने इसको होम सेंटर से परचेज किया था। अगर आपने मेरे होम सेंटर का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने इसको करीब 399 में परचेज किया था। नीचे मैं लोटस का कैंडल लाइट होल्डर लगा दिया है और उसके बगल में मैंने एक जो मैंने वास लिया था उसको उल्टा करके रख दिया। उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक और प्लांटर जो कि अगेन बुद्धा का फेस ही है। इसके साथ मैंने साइड में एक और प्लांटर का इस्तेमाल किया है बिकॉज आई लव ग्रीनरी और ग्रीनरी बहुत ही सूदिंग और पीसफुल होती है। ये आप देख सकते हैं डे व्यू तैयार हो गया है, हमारा मेकओवर हो चुका है। थोड़ी सी कैंडल लाइट्स मैंने ऐड कर दी हैं। आप मेरे होम सेंटर का इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो ये दोनों साइड की जो मैंने रेड लैंटर्न्स रखे हैं ये मैंने होम सेंटर से ही परचेज किए हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर सा व्यू तैयार हो गया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कॉर्नर आपको कैसा लगा। ये मेरी बालकनी का नाइट व्यू है। ये आप देख रहे हैं एक साइड कॉर्नर जहां मैंने कैंडल लाइट जला रखी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सूदिंग लग रहा है और काफ़ी रिलैक्सिंग भी। तो आप भी ऐसा एक कॉर्नर अपने घर में ज़रूर क्रिएट करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी वहाँ बैठ के मेडिटेशन और पीसफुल एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा आप देख सकते हैं घर में ये सब अवेलेबल था मेरे, और आपने पहले काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा। इसके साथ मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है बालकनी में, और ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऊपर लाइट्स कि ये दिवाली लाइट्स मैंने किस प्रकार से यूज़ किया। तो लाइट्स हम हटा देते हैं यूजली दिवाली की, तो आप हटाइए मत, उनको लगा रहने दीजिए। एक बालकनी में आप इस प्रकार से लैंटर्न लगा के उसके अंदर लाइट्स को फोल्ड करके डाल सकते हैं। मैंने भी डाल दिया है, मल्टीपल लाइट्स थी और ये मेरी बालकनी का लुक काफ़ी सुंदर आ रहा है। और क्योंकि लाइट्स आप हटाते हैं तो वो लाइट्स ख़राब होने का डर होता है, तो मैंने उसकी जगह ये लैंटर्न परचेज करके जो कि 199 रुपीज़ के थे काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट कर दिया। तो ये जेन कॉर्नर के साथ एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट देता है रात में, और दिन में भी आप बैठिए, चाय पीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए घर, प्लीज़ वेलकम टू माय होम। आप लोग भी बिल्कुल आए, मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा कॉर्नर कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू अगेन।